हम कटवक रंगोली बनाएंगे। हमें जो डिजाइन बनानी होती है वो डिजाइन पहले हमें पुट्ठे पर उतारनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप की एक कटवक रंगोली सिखाऊंगी जिसमें मैं स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेना है। सेंटीमीटर का स्क्वायर बनने के बाद 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। और अभी हमें चाहिए ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेके हम एक आर्क बनाएंगे दोनों तरफ से। इसके बाद ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इसे यहाँ पे जोड़ना है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब इन तीनों शेप को हमें कट करना है। इस सर्कल मुझे अगर आधा चाहिए तो हम आधा डिजाइन भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैसे शेप मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह मैंने बना लिए हैं। इसे सजाने के लिए मैं फोम शीट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो आप टिंटेड पेपर का, गोटी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप साधारण आपके वाटर कलर और ब्रश से उसे कलर करके फिर सजा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सजा। सही तरीके से अरेंज करने के लिए हम पहले नीचे कार्डबोर्ड रखेंगे ताकि हमारी रंगोली हाईलाइट हो जाए। अरेंज करने के लिए
हमें जो डिजाइन हमने डिसाइड की है उस तरीके से हम इसे अरेंज करेंगे। पहला तरीका, अब हम दूसरे तरीके से भी इसे अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें चेंज करना है अपने हिसाब से। चाहो तो ये लगा सकते हो वरना इसे हटा सकते हो।